कौमी सेवक रामलीला एवं त्योहार कमेटी श्री हनुमानगढ़ी मंदिर चिटी रोड फगवाड़ा विखे हर साल की तरह इस साल भी 79वीं रामलीला का आयोजन प्रधान अरुण खोसला की देखरेख हेठ बड़ी ही धूमधाम नाल करवाया जा रहा है। इस दौरान बीती रात श्री राम नाटक दौरान लक्ष्मण मूर्छा का नाटक खेडिया गया जो कि आए हुए श्रद्धालुओं लिए विशेष खिच का केंद्र से। लक्ष्मी मूर्छा आ गई है, इस मौके मुख मेहमान वजो इंद्रपाल खुराना, दिवानशु भनोट और साहिल भार्गव ने शिरकत की, जिन्होंने समागम का आगाज रिबन कट्टन उपरांत शमा रोशन करके किया। इस दौरान विशेष तौर पर केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश कैंत हाजिर हुए, जिन्हों का क्लब वालों फुलों के हार पा के निघा स्वागत किया गया। इस मौके जिथे कमेटी वालों उन्होंने सन्मान चिन्ह देकर सन्मानित किया गया, उत्थे ही सोम प्रकाश ने लकी ड्रो के जेतू व्यक्तियों इनाम भी वंडे। अपने संबोधन भी सोम प्रकाश ने समूह राम भगतों नूं दुसहरा उत्सव दीआं हार्दिक वधाईआं दिंदिआं कमेटी वल्लों कीते इस उपराले दी शलाघा कीती। रामलीला त्यौहार कमेटी वल्लों सब तों पुरानी इह रामलीला कमेटी फगवाड़े दी सब तों पुरानी और लोकां ने बहुत पसंद वाली रामलीला के हर साल इस पवित्र स्थान पर की जाती है। दूर दूर तक जितने लोगों सरकार आए हैं, कि प्यार से सरकार मेरिया भैन बच्चे बेटे से आए हैं। ये दसता है कि अभी संस्कृति अपने पुरानी संस्कृति हिंदू संस्कृति के नाल अभी जुड़ के अपना जीवन सफल कर रहे हैं। सेवा और थोड़े सारे श्रद्धा दूरों दूरों लोग इतने भगवान अल्लाह हनुमान जी की मूर्ति से रटवट खोल लिया ने। बहुत वधिया उपराला, बहुत वधिया स्थान, सारे पंजाब मशहूर है कि इतने भगवान हनुमान जी की दर्शन कर रहे हो तो इस मूर्ति में आके लोग नतमस्त हो गए। इस मौके प्रधान अरुण खोसला, रमेश धीमान, बलवंत बिल्लू, बलराम शर्मा, सुपान खोसला, इंद्रजीत करवल तो इलावा वड्डी गिनती विच क्लब दे मैंबर अते शहर दे पतवंते मौजूद सन। इस सारे समागम दा नवरंग टीवी दे चैनल नंबर 240 ते सीधा प्रसारण भी दिखाया गया।